नमस्कार, मैं कुलदीप सागर। आलाप म्यूजिक की तरफ से आप सबका स्वागत कर रहा हूँ और हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक से होंगे। आज का जो समय चल रहा है उसमें प्लीज़ अपने परिवार का और अपना ध्यान रखें। आज जिस राग पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो राग है दरबारी। कुछ लोग इसको दरबारी कानड़ा के नाम से भी जानते हैं। इस राग का जो थाट है वो आसावरी है। इस राग में गंधार, धैवत और निषाद, ये तीनों स्वर कोमल है, बाकी सारे शुद्ध स्वर यूज करते हैं। इस राग की जाति वक्र संपूर्ण है, मतलब सातों सुर तो लगते हैं लेकिन वक्र होकर लगते हैं। इसको मैं प्रैक्टिकली आपको गा के बताऊंगा, जब हम आरोह करेंगे तो कैसे वक्र होते हैं ये मैं एक्सप्लेन करूंगा। इस राग का जो वादी सुर है वो ऋषभ है और संवादी पंचम। गाने का समय मध्यरात्रि है। इस राग के बारे में प्राचीन ग्रंथों में भी बहुत कुछ लिखा है और इसको लोग शुद्ध कर्नाट के नाम से जानते थे, ऐसा उल्लेख मिलता है शास्त्रों में। ऐसा लगता है कि कर्नाट शब्द बिगड़ता बिगड़ता कानड़ा हो गया होगा, इसलिए इसको दरबारी कानड़ा भी कहते हैं। ये जो राग है ये अकबर के दरबार में मियां तानसेन जी द्वारा काफ़ी बार गाया जाता था और उनके फेवरेट रागों में से एक था। और बार 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 गाने के कारण इस राग का नाम दरबारी कानड़ा पड़ गया होगा, ऐसा शास्त्रों में मिलता है उल्लेख। इसका इस राग का जो चलन है वो मंद्र सप्तक, मंद्र मतलब इस सा के नीचे, सा इसके नीचे, ध नि रे, नि सा रे ध तो मतलब लोअर ऑक्टेव में और मिडिल ऑक्टेव में ज़्यादा अच्छा लगता है, मंद्र सप्तक और मध्य सप्तक में। और इस राग का जो संप्रकृति राग है अड़ाना है, बिल्कुल ऐसे दिखाई देता है, स्वर भी सेम है परंतु दोनों में बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि अड़ाना जो है वो उत्तरांग प्रधान है और ये पूर्वांग प्रधान है। दरबारी राग का जो गंधार है और धैवत है ये दोनों आंदोलित है। आंदोलित मतलब उसी नोट को आपको आंदोलन करना है, मैं करके बता रहा हूँ। सा सा रे गा तरीके से आंदोलित होता है, लेकिन आंदोलन में भी आरोह में जो गंधार है वो ऋषभ के साथ आंदोलित होता है और जब हम अवरोह करते हैं तो मध्यम के साथ ये आंदोलित होता है। जैसे मैं आरोह कर रहा हूं, सा नि सा रे ध नि सा रे गा, ये ऋषभ के साथ मा पा
अब रो ये मध्यम के साथ आंदोलित हो रहा है गे ऐसा। इसका धैवत भी आंदोलित है, वो पंचम के साथ आंदोलित होता है म प द द आंदोलन म प द ये पंचम के साथ आंदोलित हो रहा है। तो ऐसे दोनों गंधार और धैवत इसका आंदोलित होता है। इसमें जब हम तान गाते हैं तो इसका मुख्य चलन है कि ये ऐसा आता है ग म रे सा और ऊपर से डायरेक्ट सा नि धा नि कर सकते हैं सा धा नि प या सा नि प सा धा नि प म प ग म रे सा नि सा रे धा नि रे सा। इस तरीके से इसका चलन है और ये राग बड़ा गंभीर प्रकृति का राग है और इसमें आलाप गमक ये ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, बड़ा खिलता है ये सब अंग इसमें। और अब हम बात करेंगे इसके आरोह की। मैंने पहले कहा था कि इसका जो जाति है वो वक्र है, संपूर्ण तो है लेकिन वक्र है। तो कैसे इसका आरोह है वो देखिए सारे ग ये ऋषभ के साथ आंदोलित हो रहा है सारे ग प म ब द के साथ आंदोलित होके इसका अब रो सा। लेकिन जब हमने साधा किया तो मैंने नी को भी गाया, उसका उच्चारण नहीं किया, उसको प्रोनाउंस नहीं किया, बट गाया। देखिए हारमोनियम पे साधा सानिदा तो ऐसे नी लगता है बट वक्र होके साधानी प म प ग। अब ये क्योंकि अवरोह है तो इसलिए इसका जो गंधार है वो मध्यम के साथ आंदोलित होके निकलेगा साधानी प म प ग। हम बात करेंगे इसके पकड़ की सारे ग कहा था कि ये राग मंद्र सप्तक में और मध्य सप्तक में ज्यादा गाया जाता है, ज्यादा अच्छा खिलता है। तो थोड़ा सा इसका चलन और देख लेते हैं निसरे द द नी प म प द नी रे सा। ये जो स्केल मैंने रखा है ये सी रखा हुआ है, तब आप प्रैक्टिस करें तो उसका ख्याल रखें। और सी इसलिए रखा है क्योंकि थोड़ा नीचे जाता है और जो फीमेल है मेरी कुछ स्टूडेंट्स और जो मेल स्टूडेंट्स है तो फीमेल के लिए थोड़ा मुश्किल पड़ता है सी में गाना और मेल के लिए थोड़ा मुश्किल पड़ता है ए में या बी में गाना। तो
तो मैंने इसे मिडिल में सी रख दिया है ताकि थोड़ी फीमेल भी प्रैक्टिस कर सकें और मेल भी कर सकें, तो मेल को थोड़ा सा दिक्कत होगी नीचे आने में, बट फीमेल कैन वेरी कंफर्टेबल फॉर दिस, बट अगर आप ट्राई करेंगे तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। नि सरे दनी प म प दनी रे म प द द द नि प म प म प म प म प सा नि प ग म रे स आ परिचय आरोह अवरोह और पकड़। अब मैं कंपोजिशन के बारे में बताना चाह रहा था। ये बड़ी सुंदर कंपोजिशन है और जनरली छोटा ख्याल जो होते हैं वो या तो तीन ताल, झप ताल, एक ताल, ऐसे तालों में गाए जाते हैं। आज जो मैं कंपोजिशन गा रहा हूँ ये एक ताल में है। सभी को पता है एक ताल मतलब 12 मात्रा। इसके बोल है धिन धिन धागे तिरकट तू ना कत्ता धागे तिरकट धी ना, 12 मात्रा है। ये सम से चालू हो रही है और जब मैं तबला बजाऊंगा तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं। साउंड सुन लीजिए इसका, तू ना कत्ता धागे तिरकट धी ना, धिन धिन धागे तिरकट तू ना कत्ता धागे तिरकट धी ना, धिन धिन धागे तिरकट तू ना कत्ता धागे तिरकट धी ना। तो दिस इज एक ताल। और अगर मैं आईफोन, अगर आपके पास है आई तबला प्रो आप यूज़ करते हैं, या एंड्रॉयड पे आप सुर साधक या कोई और ऐप यूज़ कर रहे हैं, तो इसका ख्याल रखें कि एक ताल बजाएं। और मैंने स्टार्टिंग में इसकी टेम्पो रखी है 180 ताकि आप लोग उसको समझ सकें और गा सकें। तो मैं गा रहा हूँ इसका छोटा ख्याल। आप यहां पर स्क्रीन पर देख सकते हैं नंबर भी। नजर करम फरमाओ, नजर करम फरमाओ, नजरे 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 करम फरमाओ, गौर करम बरसाओ, गौर करम बरसाओ, गौर करम बरसाओ, गौर करम बरसाओ, नजर करम फरमाओ, नजर करम दरबारी के गुणी जन आप लोग जो ऐसे कई बच्चे होंगे जो हारमोनियम बजाकर गाते हैं, इसलिए मैंने आज हारमोनियम सामने रखा है ताकि आप लोग सुर देख सकें कि मैं क्या बजा रहा हूं और कौन से नोट मैं बजा रहा हूं। दरबारी दरबारी के गुणी जन, दरबारी के गुणी जन मिलकर खुश रंग संग, मिलकर खुश रंग संग, दाता के
के गुण गाओ दाता, के गुण गाओ दाता, के गुण गाओ दाता। अब इसमें जो आलाप आप करना है तो आप एक से चालू कर सकते हैं आलाप, या फिर दाता बोलने के बाद भी गा सकते हैं, या नजरे कर्म के बाद। नजरे कर्म नजरे करो फरमाओ, नजरे करो। आलाप भी तीन टाइप के होते हैं, वैसे चार है लेकिन जनरली लोग तीन गाते हैं, और सीखना चाहिए आप लोगों को भी। ये सुर का आलाप, आकार का आलाप और बोल आलाप। एक नोम तोम का आलाप भी होता है। आकार मतलब आ करके गाना, सुर का आलाप मतलब सुर बोलना, बोल मतलब बोल का आलाप मतलब किसी पहली लाइन के किसी बोल को लेकर के उसको एलिब्रेट करते हैं, गाते हैं। तो पहले सुर आलाप, नजर करम फरमाओ नजर सारे नि पर रे आकार थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। अभी ये 181 है, मैं 10 पॉइंट बढ़ा रहा हूँ इसको, ये 191 हो गया। अब आप पहले छोटी छोटी तान गा सकते हैं, क्योंकि 12 मात्रा है तो 6 मात्रा तक आप कंपोजिशन गाइए और बाकी 6 मात्रा में तान गाइए। जैसे दाता के यहाँ तक गाना गाइए,
दा दा के, और यहां से कान दा दा के दा दा के पब गम रे सनी सा रे सनी सा दा दा के, इस तरीके से मैं थोड़ा साउंड बना दूं। दा दा के पब गम रे सनी सा रे सनी सा दा दा के निजा रे सनी सा धनी धसा नी सा दा दा के, इस तरीके से दा दा के निजा रे सनी सा धनी धप दा दा के पब गम रे सनी सा दा दा के पब म प गम रे सनी सा दा दा के पद म प गम रे सनी सा दा दा के पब म प ध म प ध प म प म प ध प म प म प म प म प गम 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 रे सनी सा धनी प धनी सा धनी सा सा दा दा के गुण गाओ दा दा मब धनी प मब सा नि प ग म रे नि सा रे दा दा के गुण गाओ दा दा, ऐसी आप आकार में भी तान कर सकते हैं। दा दा के पब गम रे सनी सा रे सनी सा दा दा के दा दा के दा दा के पब म प ध प म प गम रे सा दा दा के दा दा के दा दा के दा दा के सदा धनी प गम रे सनी सा दा दा के सदा धनी प गम रे सनी सा दा दा के दा दा के गुण। तो ये छह मात्रा के तान आप गा रहे हैं, आप चाहे तो एक से भी तान गा सकते हैं। दा दा के गुण गाओ, यहां से तान गा सकते हैं। मैं एक से गा सम से गा रहा हूं तान। दा दा के गुण गाओ दा दा पब म प गम रे सनी सा धनी प पब धनी सा 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 दा दा के गुण गाओ दा दा, ये सम से सदा धनी प म प गम रे सनी सा धनी प सा दा दा के गुण गाओ दा दा दरबारी के गुणी जन दरबारी के गुणी जन दरबारी के गुणी जन दरबारी के गुणी जन मिलकर खुश रंग संग मिलकर खुश रंग संग दाता के गुण गाओ दाता। मैंने टेम्पो 205 कर दिया, 205 करीब, तो तान आकार गाने में दिक्कत नहीं होगी। दाता के गुण गाओ 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 दाता। मैं और थोड़ा टेम्पो बढ़ा रहा हूँ, आप अपने हिसाब से जैसा आप तान गा सकते हैं उसके अकॉर्डिंग आप यू कैन इंक्रीज द टेम्पो। ये 221 दाता के गुण गाओ दाता दाता के गुण गाओ दाता के गुण गाओ नजर करो परमाओ नजर करो परमाओ नजर करो परमाओ नजर करो नजर करो
करमा वो नजर करम पर आओ नजर करम नजर 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 करम पर तरीके से आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप YouTube चैनल पे आप क्वेश्चन कर सकते हैं, या मेरा नंबर भी वहाँ लिखा हुआ है WhatsApp नंबर, आप चाहे तो WhatsApp पे भी अपनी जो डाउट्स है, आपको जो कोई अगर प्रॉब्लम है या कोई डाउट आ रहा है तो आप लिख के भेज दीजिए, मैं कोशिश करूँगा उसका रिप्लाई करने के लिए। और नेक्स्ट राग मैं फिर रिकॉर्ड करूँगा आप लोग के लिए, भेजूँगा बहुत जल्दी। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और खुश रहें, खूब गाएं, खूब बजाएं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।